एक लेक्चर में 20 मिनट 25 मिनट या 30 मिनट के वीडियो में रीजनिंग का क्यूब चैप्टर आपके दिमाग में, अगर आप केयरफुली इस बात को सुन लें हमारी बात को। यहां पर मैंने समान साइज के एक ही आकार के 6 घन लिया, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग दे दिया, ए बी सी डी ई एफ, सबका साइज सेम था। पहले घन में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसा कि आपको पता होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है घन में, पहले में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। दूसरे में मैंने छेड़छाड़ किया, एक भुजा में एक कट लगाया। घन के कितने भुजे होते हैं, तो 12 भुजा होते हैं। घन छोटा हो या बड़ा, 12 भुजा। देखिए, कटने के बाद छोटे घन में भुजा कोण एवं फलक की संख्या, तो भुजा कोण एवं फलक, भुजा 12 कोण 8 फलक 6 छोटे वाले का, और बड़े वाले का तो बड़े में भी वही। मनुष्य छोटा हो या बड़ा हो, दो पैर ही होगा, दो हाथ ही होगा। घन छोटा हो या बड़ा हो, 12 भुजा होता है तो 12 ही होगा। 8 कोण होते हैं तो 8 ही होंगे। देखिए भुजा, देख लीजिए कौन कौन होते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, 5 6 7 और 7 के बाद इधर 8 इधर 9 और 3 इसके पीछे है जो दिख नहीं रहे हैं अपोजिट साइड पे, जो दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसा देखिए, इसमें देखिए भुजा कितने हैं, एक घन ही है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार दिख लिए ना, 1 2 3 4। अब इधर देखिए 5 6 7 8 8 और फिर नीचे से देखिए 9 10 11 12 भुजा होता है। और कोण कितने होते हैं, तो एक देखिए, एक कोना बन रहा है यहां कॉर्नर, एक ए दो, एक तीन, एक चार और चार नीचे, 8 कॉर्नर होते हैं। और फेस कितने होते हैं इसके सतह, तो देखिए आपके सामने से एक दिख रहा है, एक इसके पीछे होगा, 2 एक ऊपर, 3 एक नीचे, 4 एक इधर वाला, 5 और एक इधर वाला, 6। तो ये पॉइंट हमारा खत्म है, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। चाहे घन छोटा हो या बड़ा, चाहे आदमी छोटा हो या बड़ा, आंख का नाक की संख्या बराबर ही होती है। तो अब इससे कोई लेना देना नहीं है, इस कॉलम से और इस कॉलम से, इस रो से और इस रो से। बात रही भुजे की, भुजा की बात हो रहा था, साइड की बात हो रहा था, इसमें मैंने कोई कट नहीं लगाया, छोड़ दिया ऐसे आपको देखने के लिए। इसी समान आकार का दूसरा था घन, जिसमें मैंने एक भुजा में एक कट लगाया, बीच दूरी में, बराबर दूरी में, ऐसा लगाया कि बराबर हिस्से में कटे। जब एक कट लगाया तो ये भुजा कितने भाग में बटा, 2 भाग। इस कॉलम को हमको यही दिखना चाहिए था इसके बाद, लेकिन मिस्टेक हो गया, एक कट लगाया 2 भाग में बटा। हर भुजा में देखिए एक कट लगा, तो ये भी 2 भाग में बट गया। इस भुजा में भी एक कट, ये भी 2 भाग में, इस भुजा में भी एक कट, ये भी 2 भाग में, ठीक है। इसमें देखिए हर भुजा में मैंने 2 कट लगाया, बराबर बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर लगाएंगे तभी घन बनेगा, छोटा छोटा जो निकलेगा वो घन निकलेगा। तो मैंने क्या किया कि 2 कट लगाया, कितने भाग में बट गया, 3 भाग। जितने भाग में बटता है उसको एन से सूचित करते हैं, स्मॉल एन।
इसमें मैंने तीन कट लगाया, ये चार भाग में बटा, इसमें चार कट लगाया पांच भाग में बटा, इसमें पांच कट लगाया छह भाग में बटा। हमें एक देखने को मिल रहा है कि जितना कट उससे एक ज्यादा भाग में भुजा बट जाता है। एक कट लगा दे दो तो दो भाग में, अगर दो कट लगा दिए तो तीन भाग में बट जा रहा है भुजा। ये जाहिर सी बात है, इसमें भी एक बार काट देंगे तो दो हिस्सा मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो इसको समझ गए आप लोग, पॉइंट नंबर पहला को आप समझ गए। पॉइंट नंबर दूसरा यहां है, दूसरा यहां लिखना चाहिए था। पॉइंट नंबर पहले को समझ गए, पॉइंट नंबर दूसरे को समझ गए, तीसरा और चौथा नहीं, चौथा समझ गए, खाली जगह यहां छोड़ देते हैं, चौथा समझ गए, पांचवा समझ गए, ठीक है। अब रहा पॉइंट नंबर तीसरा, पूरे घन में कुल कट की संख्या, पूरे घन में, हाँ तो पॉइंट नंबर पहला क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर दूसरा क्लियर हो गया, ये सब बेसिक चीजें हैं, बिना इसके आप उंगली पर सवाल नहीं बना सकते, बिना इसके समझे। पॉइंट नंबर चौथा क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर पांचवा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर तीसरा क्या है, कहता है पूरे घन में कुल कट की संख्या, पूरे घन में कुल कितने कट लगे हैं। तो आइए देखिए पहला फिगर, इस घन में तो कोई कट लगा नहीं है, मतलब इसको तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो जीरो। इस घन में कितना कट लगा है हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि भुजा में कितना कट लगा है, एक भुजा पर कितना कट, पूरे घन में कितना कट लगा। तो देखिए इसमें कैसा क्या हुआ है, मान लीजिए ऐसा है एक घन है, एक बार इसको ऐसे काटा गया और पूरे चक्कू को नीचे तक लाया गया, मतलब ये दो भाग में कट गया, लेकिन हमने अलग अलग नहीं किया, दोनों भाग इसका चिपका हुआ है, एक कट ऐसे मार दिया, लेकिन एक कट कहां जाकर के रुका, बिल्कुल नीचे आकर के, बिल्कुल नीचे निकल गया, तो इसको एक ही कट कहेंगे, ठीक है। इस कट को इसमें आप कैसे बता सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके मारा, एक कट काटते हुए इसको यहां तक निकल गया ऐसे, दूसरा कट मैंने कैसे मारा ऐसे, और तीसरा कट मैंने कैसे मारा ऐसे। तो तीन कट लगे। एक कट से होता क्या है कि दो फलक को प्रभावित करता है एक कट। देखिए इस फलक पर लग रहा है तो सीधा नीचे तक आ जाएगा, कुल कट यहां एक तो ऐसे लग गया और ऊपर वाला ऐसे लगा और ऐसे लगा, टोटल तीन कट लगे हैं। इसमें देख लीजिए कितने कट लगे हैं टोटल, तो एक भुजा में दो कट, इधर से देखिए एक बार इधर यहां एक बार यहां दो, उसके बाद ऐसे ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे और ऐसे, हूबहू उसका सेम नमूना देखिए। इसमें भी एक दो तीन भाग में बट गया है, दो कट लगे, एक कट ये वाला है, एक कट ये वाला है और एक कट ये वाला है, दो। तो एक कट ये जो कटा गया ना बिल्कुल अंदर तक काट दिया गया, तो ऐसे काट दिया गया, इसके बाद दो कट ये ऊपर से भी लगा और दो कट इधर से भी लगा, तो टोटल कट हो गए छह, टोटल कट की संख्या इसमें हो गई छह। इसमें देखिए तीन कट इधर से, तीन कट इधर से, तीन कट इधर से, तो नौ,
इसमें चार कट इधर से, चार कट इधर से, चार कट इधर से, मतलब हो गई 12। इसमें पांच 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 15 कट। टोटल कट की संख्या निकालने के लिए आप एक भुजा को जितने भाग में बांटते काटते हैं उसको 3 से गुना कर देना। देखिए एक भुजा में एक कट लगा था, ठीक है, एक कट लगा, इसको हम निकालते कहते हैं फॉर्मूला में, एक कट लगा तो दो भाग में बटा, n बराबर 2 हो गया। अगर इसी को हमको लिखना है एक को, तो n माइनस 1 लिख सकते हैं, n क्या है बटे हुए भाग की संख्या, तो n माइनस 1 लिख दिया, n बराबर 2 है तो 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इस फॉर्मूले में इसका फॉर्मूला यहां पर 3 कैसे आएगा, n माइनस 1 3 इंटू एन माइनस 1 करें, एन बराबर कितना है 2 है, इसके लिए 2 है तो 3 गुने 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 1 1 में 3 3 ठीक है। आप इसमें आ जाइए, यहां पर n क्या है, n की वैल्यू इसके लिए क्या है तो 3 है, n की वैल्यू 3 है, 3 इंटू एन माइनस 1 करके हम देखते हैं 6 आता है कि नहीं। थ्री माइनस 1 आ गया, 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2 गुने 3 6, मतलब n में से एक घटा दीजिए, n में से एक घटा दीजिए, घटा देने पर क्या आता है कट की संख्या, भुजाओं की कट की संख्या, और उसको कितने से गुणा कर देना है 3 से, तो एक फार्मूला हो गया, टोटल कट की संख्या निकालने का फार्मूला हो गया 3 इंटू एन माइनस 1। ये भी इसमें भी देख लीजिए वही की जाएगा, n बराबर 4 है, तो n माइनस 1 करेंगे तो 4 में से एक घटाएंगे तो 3, 3 गुने 3 9, 3 गुने 3, इसमें भी वही बात आएगा, इसमें n बराबर 5 है, 5 भाग में बटा गया है तो 1 कम कर देना है, मतलब यहां पर कट की संख्या लिखना है 3 गुने कट की संख्या, कट की संख्या को ही हम n माइनस 1 करते हैं, तो यहां पर हो गया 3 गुने एन 1 2 3 4 5 5 माइनस 1 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 3 चौके 12। तो सब में हम देख रहे हैं कि 3 इंटू एन माइनस 1 3 इंटू एन माइनस 1 इसमें भी 3 इंटू एन माइनस 1 एन है यहां पर 6 देख लीजिए एन 6 है 6 में से घटेगा 5 5 3 के 15 तो पॉइंट नंबर तीसरा क्लियर, टोटल कट की संख्या, टोटल कट की संख्या क्लियर। अब आइए आगे पॉइंट नंबर 6, कटे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। देखिए इसमें इसको तो हमने काटा नहीं है तो इसमें तो छोटे घन आएंगे नहीं तो 0 लिख दिया, इसमें 8 लिखा, कटे हुए कुल घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या 8, इसमें लिखा है 27, इसमें 64, इसमें 125, इसमें 216, कैसे लिखा है भाई, तो देखो यहां से हमें एक छोटा वाला घन ए दिख रहा है, 1 2 3 4 चार तो हमें सामने से दिख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि चारों के बाद एक एक घन और बचा है, तो इसको आप कर सकते हैं 5 6 और 7 और एक एक तो सबसे कोने में है पीछे और दिख नहीं रहा है तो 8, मतलब ये 4 का एक लेयर है और इसके बाद 4 का लेयर एक और हो गया तो 8, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का एक लेयर,
नौ का एक लेयर। एक लेयर नौ का है, एक लेयर देखेंगे, ये वाला लेयर नौ का। इसके बाद एक लेयर और है, दूसरा लेयर है, ये दूसरा लेयर और एक लेयर और है, तीन है, और तीनों लेयर नौ नौ का ही है। तो नौ दूना अठारह, नौ तीन 27 हो गए। इसके बाद इसमें देखिए चार का है, इधर से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक लेयर में सोलह। और कितने लेयर है तो देखिए एक लेयर दो लेयर तीन लेयर चार लेयर, तो सोलह गुने चार चौसठ, टोटल छोटे घरों की संख्या चौसठ। इसी तरह इसमें पांच गुने पांच पच्चीस का है और पांच लेयर है, तो पच्चीस गुने पांच 125। अब कहिए कि इसके लिए फॉर्मूला क्या सूट होगा, कौन सा फॉर्मूला बिठाएंगे? तो सीधा सीधा हमको फॉर्मूला पता चल रहा है, आठ आया, आठ कैसे आया? तो दो इधर से है और दो इधर से है, तो दो गुने दो कर दिया तो चार, और दो लेयर था तो चार गुने दो कर दिया, मतलब दो गुने दो गुने दो, दो के होल के। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आठ बराबर दो गुने दो गुने दो बराबर दो के पावर थ्री, और दो क्या है यहां पर एन है, नंबर ऑफ पार्ट्स है, ये भुजा की कटी हुई संख्या एन के होल क्यूब। तो एन का क्यूब फॉर्मूला हो जाता है छोटे घनों की संख्या 27। देखिए तीन इधर से तीन इधर से, तीन गुने तीन नौ कर दिए और गुना तीन और कर दिए, मतलब थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कर दिए। इसको हम थ्री के पावर थ्री भी लिख सकते हैं। अब ये थ्री है क्या? तो थ्री नंबर ऑफ पार्ट्स है एन, इसको भी हम लिख सकते हैं एन का पावर थ्री। इसी तरह चौसठ है, चार इधर से चार इधर से, चार गुने चार सोलह और चार इधर से सोलह गुने चार चौसठ, चार गुने चार गुने चार, क्या लिख सकते हैं हम इसको? चार का पावर तीन। और चार है क्या जरा देख लीजिए, तो एन है, एन की संख्या एन, कट करने के बाद भुजा जितने भाग में बटता है उसकी संख्या एन चार। तो एन क्यूब जितने भाग में आपने भुजा को बांटा है, जितने भाग में, दो भाग में तीन भाग में चार भाग में, बस उस पर पावर थ्री कर दीजिए, कुल टोटल घनों की संख्या आ जाती है पांच के क्यूब। पांच क्या है यहां 216 आया है इसमें, तो छह का क्यूब, छह क्या है? छह बराबर एन है, देख लीजिए छह बराबर एन है। पॉइंट नंबर सिक्स क्लियर बच गया, पॉइंट नंबर सेवन। ए भाई तू बाहर जा यार, इशारा से समझ में नहीं आ रहा क्या? इनको तेरी बाहर बैठाओ, फर्श पर ले जाके टेस्ट लो। पॉइंट नंबर सेवन, कटिंग किए हुए बड़े घन में कुल शीर्ष घन यानी जिनके तीन फलक रंगीन हो उनकी संख्या। यही से क्वेश्चन एराइज होता है घन में, यही से क्वेश्चन एराइज होता है। कटे कटिंग किए हुए बड़े घन में कुल शीर्ष घन की संख्या कितनी होती है, और शीर्ष घन कहते किसको है? तो देख लीजिए शीर्ष घन कोने वाले को कहते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात, और एक पीछे है जो दिख नहीं रहा है आठ। ये घन है, इसमें कोने पर जितने छोटे छोटे क्यूब होंगे उनको शीर्ष घन कहते हैं।
शीर्ष घन की संख्या हमेशा फिक्स होता है और शीर्ष घन के तीन फलक रंगीन होते हैं। ये जो छोटा वाला घन इसमें से निकला है, कटिंग करने के बाद, इसको काटने के बाद, काट दिए ना इसको दो पार्ट में, दो दो हिस्सा कर दिए हर भुजा से, टोटल छह कट लगाए इसमें। ये जो है, अगर मान लीजिए टोटल लाल रंग से रंगा हुआ है हमारा घन, टोटल लाल है, इधर 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 हर जगह लाल है, तो ये जो कोना वाला घन है इसके कितने सतह रंगीन होंगे, लाल होंगे। तो एक जो भाई इधर पेंट लगा है तो इधर भी लगा होगा, इधर लाल रंग का पेंट लगा है तो ऊपर में भी लगा होगा, और इधर लगा है तो इधर भी ये लगा होगा। इसके टोटल तीन सतह रंगीन होंगे। इस कोने वाले के भी तीन सतह रंगीन होंगे, इस कोने वाले के भी तीन सतह रंगीन होंगे, इस कोने वाले के भी तीन, हर कोना वाला का तीन सतह रंगीन होगा। और कितने कोने होते हैं, आठ कोने। तो जितने कोने और कोने पर जो घन उपस्थित है उसको शीर्ष घन कहते हैं। तो इसमें तो कोई कटिंग नहीं किया गया, तो शीर्ष घन जीरो, इसमें तो कोई कटिंग किया ही नहीं गया, ठीक है, इसमें कटिंग किया गया है। तो इसमें देख लीजिए टोटल आठ घन है, और आठों के आठों शीर्ष ही है, सब कोने पर ही है, एक दो तीन चार पांच छह सात और एक तीसरे आठ। इसमें शीर्ष घन कितने हैं, तो मैंने अभी बताया कि शीर्ष घन सब में आठ होते हैं, इसमें भी कोना आठ ही, जब आठ कोना तो आठ ही शीर्ष घन, एक दो तीन चार पांच छह सात और एक पीछे आठ, इसमें भी आठ, सब में कोने आठ, सब में शीर्ष घन की संख्या आठ। और शीर्ष घन का मतलब क्या है, शीर्ष घन के तीनों फलक रंगीन होते हैं, जो बड़े घन का जो रंग है वही इसका भी रंग होगा। सिर्फ घन से नहीं हम लोग को पढ़ना है, क्वेश्चन में सिर्फ घन नहीं आएगा, क्वेश्चन में आपको हमेशा आएगा जिसके तीन फलक रंगीन हो। तो आपको समझ जाना है कि जिसके तीन फलक रंगीन हो उसको सिर्फ घन कहते हैं, सिर्फ घन हमेशा कोने पर होता है, जो कोने पर होगा उसी को सिर्फ घन हम कहते हैं। अब देख लीजिए आगे का टॉपिक, मतलब टॉपिक नंबर सातवां क्लियर, टॉपिक आठवां, पॉइंट नंबर एट। पॉइंट नंबर एट में जो घन है, बेसिकली ये जो कट रहे हैं ना, कटने के बाद जो छोटे छोटे घन हमको मिलते हैं, कटने के बाद जो छोटे छोटे घन मिलते हैं, इन घन को हम चार प्रकार में बांटते हैं। एक तो आपने सुन ही लिया शीर्ष घन, दूसरा मध्य घन, तीसरा केंद्रीय घन, और चौथा अंतः केंद्रीय घन। इन चारों की अपनी अपनी खासियत होती है। शीर्ष घन का शीर्ष घन का शीर्ष घन का तीन फलक रंगीन होता है, जो कोने पर होता है। उसके बाद आ गया मध्य घन, मध्य घन का दो फलक रंगीन होता है। मध्य घन किसको कहते हैं, देख लीजिए एक भुजा पर शीर्ष घन, इसको छोड़ करके जो बीच में उसको मध्य घन कहते हैं। इसमें देखिए कोई मध्य घन है, ये और ये दोनों शीर्ष में ही आ रहे हैं, टोटल घन की संख्या इसमें आठ है, और शीर्ष घन आठ हो गए तो बाकी सब तो जीरो जीरो ही होंगे ना। यहां पर देख रहे हैं आठ छोटे छोटे घन मिले, लेकिन सारे के सारे शीर्ष घन ही हैं। तो सारे जब शीर्ष घन हैं, मतलब इसके भी तीन सतह रंगीन होंगे, इधर वाला और इधर वाला। अगर ये पूरा बड़ा वाला घन लाल से रंगा हुआ था, काटने के बाद ये घन हम निकालेंगे तो यहां से यहां से यहां से लाल ही मिलेगा, यहां 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 नीचे इसका ये भी लाल ही मिलेगा, बाकी तो सब इसमें जीरो हो जाएंगे, टोटल आठ शीर्ष घन आठ, तो बाकी जाहिर सी बात है कि जीरो होगा तीनों। इसमें आइए देखिए, इसमें टोटल घन की संख्या 27 है,
शीर्ष धन 8 मिल गए, मध्य धन ए वाला 1, 2, 3, 4, मतलब हर एक भुजा में एक, तो भुजा की संख्या कितनी होती है 12, तो 12 गुने 1 12, अब 12 गुने 1 को हम लिख सकते हैं 12 गुने एन माइनस 2, एन है 3 और 3 में से 2 घट जाएगा तो 1। सारा फॉर्मूला इसमें भी आइए देखिए, 1 2, एक भुजा में 2 मिला, फिर यहां पर भी 2 मिल रहा है, फिर यहां पर भी 2, हर एक एक भुजा में 2 मिल रहे हैं, 12 भुजा है तो 12 गुना 24, लेकिन फॉर्मूला पर हम सेट करें तो 12 भुजा है ना, तो सबसे पहले 12 से गुना करिए और फिर n माइनस 2 कर दीजिए। n माइनस 2 इसलिए कि ये जितना भाग है इसमें से 2 घटाना है, क्यों घटाना है, क्योंकि ये एक तो किनारे वाला इधर एक और इधर एक, ये 2 शीर्ष धन हो जाते हैं, ये 2 घट जाता है। h तो हम सब में इसी तरह से है, 12 गुने n माइनस 2, 12 क्यों आया, क्योंकि 12 भुजा की संख्या है, n क्यों आया कि जितना पार्ट है इसी में से तो निकलेगा ना, और n में से 2 घट क्यों गया भाई, तो जो 2 शीर्ष घन है वो घट गया। तो याद रखना है मध्य घन के हमेशा 2 ही फलक रंगीन होते हैं, और पूछेगा क्वेश्चन में कि 2 फलक रंगीन, तो आपको मध्य घन मतलब 12 गुने n माइनस 2 के हिसाब से 2 के फॉर्मूले से निकाल देना है, यही है मध्य घन। देखिए अगर इसी पूरा लाल है तो बीच वाला सिर्फ ए वाला सतह लाल होगा, ए सतह लाल होगा, सिर्फ 2 ही तो लाल होंगे ना, जबकि शीर्ष घन में 3 थे। आइए इसके बाद पॉइंट नंबर हमारा हो गया 8वां क्लियर। पॉइंट नंबर 9 केंद्रीय घन, तो देख लीजिए केंद्रीय घन किसको कहते हैं, ए रहा शीर्ष घन, ए रहा मध्य घन, ए रहा शीर्ष, ए मध्य, ए शीर्ष, ए मध्य, ए शीर्ष, ए जो बीच में बच गया इसको कहते हैं केंद्रीय घन। मतलब एक सतह में जो मिल रहा है हमको सतह के बीचों बीच, तो सतह कितने 6, तो आइए देखिए इसमें तो कोई घन नहीं होगा 0, इसमें भी पता है 8 के 8 शीर्ष घन है, टोटल 8 में 8 शीर्ष घन, तो बाकी तो सब सब 0 है। इसमें आइए देखिए इसमें मध्य घन आपको केंद्रीय घन एक ए वाला मिलेगा, एक यहां 2, एक यहां 3, मतलब एक सतह पर एक मिल रहा है, सतह की संख्या 6, तो 6 गुने 1, एक के जगह पर क्या लिखे हम, तो n माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख देना है, 6 गुने 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी इसको 6 गुने n माइनस 2 के होल स्क्वायर, n बराबर 3, 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1, 1 गुने 6, 6, ये भी इसी फॉर्मूले पर बैठा है। देखिए इसमें भी ए वाला एक सतह में 4 मिल रहे हैं, 6 सतह है तो 6 गुने 4, 24, फॉर्मूला पर फिट करना है इसको, तो 6 के जगह पर 6 लिख दिए और 4 के जगह पर लिख दिए 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर, n माइनस 2, n क्या है यहां 4 है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 और 2 के स्क्वायर, तो 2 गुने 2, 4 आ जाएगा। मतलब इसका यहां पर भी 1 मिला, यहां पर देखिए 4 मिला, यहां पर देखिए 9 मिल रहा है, 1 मिला मतलब 1 का स्क्वायर 1, यहां पर 4 मिल रहा है सीधा आगे 1 के पढ़ने के बाद 4 मिल रहा है तो 2 का स्क्वायर, फिर आगे 9 मिल रहा है, ये सब मध्य घन है, ए सॉरी मध्य घन है, केंद्रीय घन है, 9 मिला, 9 गुने 6, 54, तो 54 को हम 6 और गुने एन माइनस 2 के होल स्क्वायर, एन कितना है 5, 5 माइनस 2, 3, और 3 के होल स्क्वायर, तो 3 3 के 9 और 6, इसी तरह आगे भी फॉर्मूला एन माइनस 2 का होल स्क्वायर से इसलिए बढ़ा कि यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है। अब आगे आ जाता है हमारा
पॉइंट नंबर 10 अंतः केंद्रीय घन। एक नमूना देख लीजिए, अंतः केंद्रीय घन उसको कहते हैं जो आपको बाहर से न दिखे, बाहर से इसके बीच में भी होगा ऐसा जो बाहर से हमें दिख नहीं रहा है। यहां पर अंतः केंद्रीय घन 0, ये तो पहले आपको बता दू। यहां पर 8 के 8 सिर्फ है, बाकी सब तो 0 है। यहां पे आइए अंतः केंद्रीय घन, आप क्या करिए, बाहर से तो ये सब दिख रहे हैं तो बाहर से एक लेयर को हटा दीजिए। एक लेयर हट गया, हट गया ना, फिर बाहर वाले इधर से भी जो दिख रहा है इसको भी एक लेयर को हटा दीजिए, हट गया। फिर जो सामने से दिख रहा है, अभी देख लीजिए 3 लेयर खड़े हैं इसके, ऐसे करके इधर से भी एक लेयर हटा दीजिए और पीछे से भी एक लेयर हटा दीजिए, तो बीच में सीधा है, और ऊपर से भी एक हटा दीजिए, नीचे से भी एक हटा दीजिए, तो बीच में एक पड़ेगा। इसमें जो हमें दिख रहा है देख लीजिए कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इधर से दिख रहा है, 3 इसमें दिख रहा है ऊपर से, 1 2 3 3 इसमें, 6 7 8 9 8 17 दिख रहे हैं, 17 और 9 सॉरी 9 ये दिख रहे हैं हमें और 9 ये दिख रहे हैं। इसमें कितना दिख रहा है, तो 1 2 3 और 3 इधर से, 6 और 2 8। इस केस में हमको 9 प्लस 9 प्लस 8 9 प्लस 9 प्लस 8 9 9 18 और 8 26 26 तो दिख रहा है इसमें, और टोटल है कितना दो कटिंग वाले में 27, टोटल घन की संख्या 27, 26 हमें दिख रहा है, तो अंदर में एक छिपा हुआ है, तो एक हो गया इसका अंतर केंद्रीय घन। फार्मूला क्या हो जाता है, एन माइनस टू का होल क्यूब, फार्मूला हो जाता है एन माइनस टू, एन बराबर 3 है, 3 में से 2 घट जाएगा, 1 का होल क्यूब। यहां पर एन माइनस टू का होल क्यूब, एन बराबर 4 में से 2 घट गया, 2 का होल क्यूब तो 8। यहां पर भी एन बराबर है 5 में से 2 घटा 3 के होल क्यूब 3। तो अंतः केंद्रीय घन के कोई फलक रंगीन नहीं होते हैं, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, कोई भी फलक रंगीन नहीं होते हैं, बस ये ओवर, क्यूब चैप्टर ओवर, ओके।